ऑफिस पर, क्योंकि अभी आप बिग बॉस के घर से बाहर आए हैं और ये जो चीजें चल रही हैं, क्या कहेंगे इन सारी चीजों पर? देखिए, चीजें जो चल रही हैं बहुत गलत हैं और बात को घुमा फिरा के कहा जा रहा है कि मैं सौदा कर रही हूँ मेरे बेटे का। मुझे ऐसा लगता है दुनिया में कोई भी ऐसी माँ नहीं है, हो ही नहीं सकती कि वो अपने बेटे का सौदा करे। पूरी दुनिया की दौलत अलग और एक माँ के लिए उसका बच्चा अकेला काफ़ी है, चाहे माँ गरीब है तो भी और बहुत वेल्दी है तो भी। तो एक तो ये बहुत गलत इल्ज़ाम है, ये हर माँ के लिए बहुत गलत इल्ज़ाम है कि वो सौदा कर रही है। बात को घुमा दिया उन्होंने। बात थी यहाँ पे ये कि आप मुझे डिवोर्स दो और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में आप मुझे घर दो, जैसे एक हक बनता है एक महिला का, क्योंकि मेरे पास अभी दो बच्चे हैं, ठीक है। तो उस बात को, 2 करोड़ का लोन उन्होंने पहले ले रखा है और वो उन्होंने मुझे 2.5 से 3 करोड़ का घर ले जाके दिखाया है कि हेमा अब ये काम करेंगे यार, अब ये किराए के घर में नहीं रहेंगे, अभी हम अपने घर में रहेंगे। तो 2.5 से 3 करोड़ के बीच में उन्होंने मुझे घर बिल्डिंग्स में ले जाके दिखाया है। तो तब तक जो है मामला ठीक था, लेकिन जैसे बात बिगड़ी डिवोर्स की आई, तो उसके बाद जब मैंने बोला कि उसको पूछो क्या चाहिए, तो ना मैंने ये मांगा ना वो मांगा, मैंने बोला भैया घर दे दो तो छोटे बच्चे, मुझे छत चाहिए, बाकी मैं अपना रोजी रोटी का कर लूंगी। तो उसके बाद बोला उन्होंने कि ठीक है मैं मीरा रोड में देता हूँ। मैंने कहा देखो ऐसा है, मैं रहती अंधेरी में, मेरा काम अंधेरी में, तो मुझे याद दे दो। अब ये अंधेरी में किस जगह देते हो और किस फ्लैट की कहाँ कीमत है ये तो मैंने तुमसे बोला ही नहीं। तो उसके बाद बोलता है कि अंधेरी में तो मेरा बजट नहीं है। तो मैंने सीधा बोला एक काम करो, मैं लॉयर से बात करो। लॉयर से उन्होंने बात तो बोल दिया था कि भैया डिवोर्स दूंगा, लेकिन 5 से 6 बार 7 बार 10 बार लॉयर ने उनको बोला कि प्लीज कम, एक बार मिल लेते हैं, बंदा सामने जाके बैठा ही नहीं है। लॉयर परेशान हो गई कि भैया बात आगे कैसे बढ़ेगी जब ये आता ही नहीं है, और डिवोर्स उसको चाहिए था। 2.5 साल में 300 बार बोला होगा कि तू मेरी जिंदगी की बिगेस्ट मिस्टेक है, तू मेरी जिंदगी से जा, तू गंदी औरत है, तुझसे शादी करके मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। तो आखिर मैं तो एक औरत देगी ना, अगर तुमने चावल में नमक ज्यादा डाल दिया तो डिवोर्स, सोशल मीडिया पे तुमने ये फोटो डाल दिया तो डिवोर्स, अपनी माँ से बात कर ली मैंने तो उसके नाम पे भी डिवोर्स, हंस के खुल के बात कर ली तो उसके ऊपर डिवोर्स, मैं अपने डायरेक्टर से जाके मिल ली तो उसमें कैरेक्टरलेस। तो जब तुमको डिवोर्स 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 चाहिए था तो मैं दे तो रही हूँ, तो आके बैठो। और मुझे बोलता है कि ठीक है म्यूचुअल में जाएंगे, लेकिन इसको बोलो यूट्यूब पे वीडियो ना बनाए, क्योंकि इसने अपने पुराने पति के बारे में वीडियो बनाया हुआ है। अरे भैया वीडियो किसने बनाई, अब वीडियो किसने बनाई, उसने बनाई ना, अच्छा उसके बाद भी फिर भी गायब। हाँ बुला रहा है, आ ही नहीं रहा बंदा, कभी उसके धड़कने चल रही है, कभी ये चल रहा है, कभी वो चल रहा है, बस लोअर के सामने नहीं आ पा रहा, बाकी सारे काम वो कर रहा था बढ़िया से। तो उसने तो हमारा बना दिया और बना के गायब। उसके अलावा अपने बच्चे से भी नहीं मिलने दिया, जो बर्थडे पार्टी थी जो जुलाई में शायद गई, 19 जुलाई, हाँ उन्होंने कहा, उसके बाद आपने मिलने तक नहीं दिया उनसे, वो पूरे दिन वहाँ खड़े रहे, ऐसा क्या हो गया था कि आपने पूरे दिन कोई खड़ा है अपने बच्चे से मिलने के लिए पर आपने उन्हें ऊपर नहीं जाने दिया? मैंने नहीं देखा कि वो पूरे दिन खड़ा था, I'm sorry to say, क्योंकि मैं घर के अंदर थी, ठीक है। और मैंने क्यों नहीं मिलने दिया बताती हूँ, 2023 की बात है, ठीक है, और आपका भला क्या, 26 जून की बात है। उस दिन 25 जून को 24 जून को मुझे एक दादा साहब फाल्के आइकन अवार्ड मिल रहा था, उस चक्कर में हम मुंबई से दिल्ली गए थे और मेरा बेटा इसकी वजह से जो 12 साल का था 6 महीना मेरे से दूर रहा है, सिर्फ इस आदमी की वजह से। इसने मेरे बेटे को शादी के बाद एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था, फिर मेरे बेटे के साथ इतना गंदा सलूक करता था जिसकी वजह से वो मेरे बेटे को, बड़े बेटे को बहन के घर पे रखना पड़ा। तो मैंने अपने बेटे को वहां से बुलाया कि चलो बेटा मैं आ रही हूँ मुंबई से दिल्ली आ रही हूँ, तू भी आ जा मिलते हैं। इस बीच में मैं और ये गौरव सक्सेना अवार्ड रिसीव करने के लिए गए, तो मेरे बड़े बेटे को मेरे छोटे बेटे की जिम्मेदारी संभालनी पड़ी, और लालच में कि चलो यार उसको बुला लेते हैं ये संभाल लेगा, छोटे वाले ये इतना सेल्फिश निकला, उसको घंटा कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि ये अपनी माँ से इतना दूर है तो मिल भी लेंगे। बुलाया और उसके बाद जो है उसने दारू पीने के लिए मना किया, उसने झगड़ा किया, उस झगड़े में किसने किसको मारा मैं आपको फोटो दिखाऊंगी अगली बार। उसके बाद जब मेरे को मुझे लगा मेरी जान मेरे बच्चे के साथ जान का खतरा है, तो अगले दिन सुबह मैं अपने बड़े बेटे को लेकर भागी वहां से, और इसने छोटे वाला बेटा मुझे नहीं दिया, और 2 से 3 दिन इसने अपने पास रखा। ये 2023 की बात है, और वो बच्चा जब से पैदा हुआ है इसने मुझे छीनने की
धमकी दी है कि तुम दोनों जाके मर जाओ, लेकिन ये बच्चा मेरा है, तुम्हारा मुझे नहीं पता, तुम सड़क पे बैठो कुछ भी करो, लेकिन ये बच्चा मैं लूंगा और मैं आज आ रहा हूँ, तुम इसका बच्चे का सामान पैक कर रखना। कम से कम 3 से 4 बार तो इस आदमी ने सामान पैक कराया कि इसका सामान पैक कर दो, मैं लेके जा रहा हूँ। मैं जब हॉस्पिटल में थी तब भी कि तू यहाँ मर, मैं अपने बच्चों को लेके जा रहा हूँ। फिर उसके बाद 13 मई की बात करते हैं, 2024 की, 13 मई को ये घर में घुसता है प्लानिंग करके, उसके बाद क्या चुरा के लेके जाता है, मैं चाहती हूँ ये आप लोग उससे पूछे कि 10 मिनट के अंदर आपने क्या चुराया था। उसके बाद ये अंदर से रिकॉर्डिंग चालू करके लेके आता है कि जो है देखो दोस्तों, मैं अभी जो है बच्चे को लेके जाने वाला हूँ, और जो है मैं पहले बता देता हूँ कि ये मैं जबरदस्ती छीन के नहीं लेके जा रहा हूँ, मुझे क्या पता ये अंदर से रिकॉर्डिंग करके आ रहा है। तो बोलता है अब मैं इसको लेके जा रहा हूँ अलीगढ़ में, मेरे घर का गृह प्रवेश है। मैंने कहा ठीक है भाई, तू वैसे भी बच्चे के नाम पे भी मेरे को परेशान करता है, ले जा। जब इंसान परेशान हो जाएगा तो क्या बोलेगा कि भैया ले जा, तो मैंने भी वही किया। उसके बाद 4 दिन तक ये बच्चे को लेके कहाँ रहा मुझे नहीं पता, मैं परेशान रही। तो ये मुझे धमकी के साथ साथ बोलता था इसका पासपोर्ट रेडी रखना, पासपोर्ट रेडी रखना। उस दिन मैं इतनी परेशान हुई, भैया ले पासपोर्ट मिले, क्योंकि तो फिर मुझे बोलेगा कि इसका पासपोर्ट दे। 4 दिन तक ये कहाँ था इसने मुझे बताया नहीं। जब बच्चे का पासपोर्ट इसके फादर के पास है, तो आपको लगता है कि मैं ये रिस्क लूंगी 2 साल के बच्चे को? जिस आदमी ने मेरे जो दूध पीता हो माँ का, उस बच्चे को अलग कर दिया अपने उसके लिए से, स्वार्थ के लिए, मुझे बताना जरूरी नहीं समझा। और फिर जब बच्चा छोड़ने के लिए आया 18 मई को, तो खुद घर पे आया भी नहीं। बाउंसर्स जो होते हैं क्लब्स में, जो बाउंसर्स होते हैं, उनके थ्रू बच्चे को छुड़वाया। रात के 11:30 बजे थे, मैं बाहर घूम रही थी क्योंकि मैं बहुत परेशान थी, क्योंकि उसने सुबह 18 मार्च को मुझे बोला था कि क्या तुम घर पे हो आज, मैं बच्चों को लेके आ रहा हूँ। तो मैंने तुरंत बोला यस। सुबह 12 बजे से रात के 11:30 बज गए। इस बीच में मैंने पुलिस वालों को भी फोन कर दिया था, बरसों में जो मेरे जानने वाले हैं, लेकिन मैं बाहर होके घूम रही थी तो देखा एक गाड़ी आके रुकती है मेरी बिल्डिंग के सामने से, जिसमें ये होता है बच्चा होता है, तो बाउंसर होते हैं, और ये बाउंसर को देखा। वो बाउंसर को मैं इसलिए जानती हूँ क्योंकि मेरी जो कंट्रोवर्सी हुई नहीं, मेरे को घर में एक मेड चाहिए थी जिसने उसको रखा था, तो ये गौरव का बाउंसर का बहुत पुराना रिश्ता है क्योंकि ये क्लब में जाने वाला में से है, ठीक है। तो वो बाउंसर के थ्रू बच्चा दिया और वो वहां से निकल लिया। फिर मैंने वेट किया और बाउंसर को ऊपर के आने का, मैंने कहा तुझे पता ये क्या सीन है? बोला नहीं। मैंने कहा ये क्राइम चल रहा है, तुझे पता है तेरे सर जो है बच्चा लेके गए थे छीन के? बोले नहीं मैडम। मैंने कहा अगर मैं अंदर बिल्डिंग में मेरा मर्डर हुआ होता, अंदर कौन फंसता? तू फंसता ना? तो बोला मैडम ये तो मुझे पता नहीं। मैंने कहा अगर पुलिस में मैं गई, तुझे बुलाना पड़ेगा तो आएगा ना? बोला हाँ मैडम मैं आऊंगा। तो उसके बाद इसने उसने बाउंसर ने बोला, बाउंसर का नाम जीतू है, कि मैडम तो घर पर ही नहीं है। तो भाई साहब मुझे मैसेज करते हैं, वाओ यू आर नॉट घर, रात के 11:30 बजे में, तुझे क्या पता एक माँ का जब बच्चा गया हो तो घर पे बैठेगी क्या? वो नीचे घूम रही हूँ मैं, पुलिस स्टेशन आई हूँ मैं। तो उसके बाद उसने टाइम लिया, पूरी स्टोरी समझी, और उसके बाद बोलता है जो होता हो तेरे पे कर ले, गुड बाय हेमलता। उसका ये लास्ट मैसेज था 18 मई को। जो दूध पीते हुए बच्चे की जो बात है, वो आपके ऊपर एलिगेशन लगा रहे है कि आपने बिग बॉस में जाने के लिए होकर आपके बच्चे को कहाँ छोड़ा नहीं छोड़ा, वो इतने फिकर में थे। और फिर उन्होंने ये भी मेंशन किया कि आपने कभी उनको आपकी मम्मी से मिलाया ही नहीं, आपने कहा कभी आपका कोई कांटेक्ट है ही नहीं आपकी फैमिली से, और सडनली वो देखते हैं कि आपकी मम्मी के साथ वो 2 साल का बच्चा है। तो ये कितनी सच्चाई है? ये इतनी सच्चाई है कि जैसे मेरा फाइनल हुआ बिग बॉस का, मैंने मम्मी को फोन किया और मैंने पहले बोल दिया था कि मम्मी शायद मेरा बिग बॉस में हो सकता है, तो प्लीज यू हैव टू कम। क्योंकि जब से मेरी दूसरी शादी हुई है, मम्मी पहली बार मुंबई आई है, बट चूंकि बिग बॉस का मामला था तो इसलिए मम्मी ने ये लिया स्टेप कि चलो मैं आ जाती हूँ। हालांकि गौरव का मेरी मम्मी का बिल्कुल भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, जैसे आपने बोला मिले नहीं है, सिर्फ फोन पे बात हुई है, ठीक है। तो मेरी इस दुनिया में, पूरी दुनिया में हर किसी के पास एक माँ, एक ऐसा बंदा होता है, इंसान होता है जिसके ऊपर पूरा आंख बंद करके भरोसा करता है। तो मेरे बच्चों के लिए मेरी माँ से बेटर कौन हो सकता है? और दूसरी बात, 6 महीने में उस आदमी से मेरी कोई बातचीत नहीं है, तो मैं किस क्या बोलूँ उसको कि अच्छा मैं बिग बॉस में जा रही हूँ, प्लीज यू टेक केयर ऑफ माई सन, ये बोलूँ मैं? मैं ये दिखाऊँ उसको कि अच्छा मैं जा रही हूँ स्टार बनने के लिए, तो तू बच्चे को संभाल? क्यों बोलूं मैं? ये मेरी जिम्मेदारी। जब बच्चे मेरे साथ रह रहे थे तो मेरे को जो राइट पर्सन लगा उसको मैंने बोला, और उसके साथ साथ जो मेड जो 12 घंटे रहती है, और उसके साथ साथ जो यहाँ पे मेरा दोस्त खड़ा है, घर में कुछ भी चीज चाहिए, वो 3-3 बंदे मैंने रखे हुए अपने घर पे, उसको आपको क्या लगता है बारात बिठा दूं क्या? अगर वो बातचीत होती हम दोनों की, तो तब भी तो वो बोलता है हेमा यार, या तो मेरे घर से आएगा या तो वो तेरे घर से आएगा, क्या उसके बाद क्या वो खुद टट्टी साफ करता है क्या? उसने तो आज तक टट्टी साफ ही नहीं की मेरे बच्चे की, उसने तो डायपर नहीं बदला, 2.5 साल का बच्चा हो गया।
2 महीने का 3 महीने का पना फिरता है बाप। देखा उसने कभी किस तरह के किस रंग के कैसा है इसका दांत आया नहीं आया? आज तक सोचा कि इसको इंजेक्शन लगा कि नहीं लगा? मैंने लगवाया इंजेक्शन। तो पैदा करना बड़ी बात नहीं है, जो पाल रहा है वो बड़ी बात है। और वो मैं पाल रही हूँ, चाहे पहले वाला बेटा हो चाहे दूसरे वाला बेटा हो। पर ये भी गया कि डिवोर्स आपके तरफ से हो रहा है, क्योंकि कोई तो आश्रम था जो उन्हें अपने होम टाउन में कहीं पे खोलना था और आपने यहाँ से ये आप 31 मार्च की बात बता रही है। जिस उस आदमी से मैंने जब शादी की, उसने शादी के कुछ महीने बाद ही मुझे बोल दिया था कि मैं उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी मिस्टेक हूँ। और एक बार बोले तो ठीक है, मुझे मारे तो भी ठीक है, थूके तो भी ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें जो दिखाऊंगी। लेकिन जब बात मेरे बच्चे की आई ना, मैं डिप्रेशन से वापस आई हूँ। उस आदमी ने मेरा मुंबई से पैकअप, अफ्रीका, अफ्रीका से फिर अलीगढ़, अलीगढ़ से फिर अफ्रीका, फिर अफ्रीका से मुंबई। ये 2 साल की जर्नी है मेरी, कैसे झेला होगा मैंने, गाली कितनी खाई होंगी मैंने 2 साल में। मैंने इस आदमी ने घुमा दिया मुझे। और अब यहाँ पे भी तब आई हूँ मुंबई, जब मुझे लगा कि भैया अब मैं मुंबई ही जाऊंगी और वही जाके कुछ ना कुछ काम कर लूंगी। और इसने बोला था तू मुंबई चले जा, तेरे को महीने के 10,000 रुपये भेजता रहूंगा मैं, इतनी औकात है तेरी, छोटा कर ले लेना कहीं, 10,000 रुपये भेजता रहूंगा मैं, ये मेरी औकात है। उसने औकात 10,000 रुपये बताई है मेरी। ये दो पिछले साल की बात है, फरवरी की। 10 मार्च को मैं यहाँ पर आई थी और आते ही 2-3 दिन बाद मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो गई थी। और 18 मार्च को भी मैं हॉस्पिटल में थी। और पूछे क्या पूछना है? आपने जैसे कहा कि आपके बड़े बेटे से आपको मिलने नहीं दिया जाता था, यू नो, और आपके बड़े बेटे के साथ वो बहुत ज्यादा जुल्म भी करते थे। लेकिन उन्होंने कहा जब तक कि आपकी उनकी शादी नहीं हुई थी, उनको कुछ पीछे प्रॉब्लम हुआ था बैक मैकिंग से, आपके बच्चे को। हाँ, वो अभी भी है। उन्होंने अलग अदर्स एक्टिविटीज में पार्टिसिपेंट करवाया उनको, और फिर युगांडा भी लेकर गए, और फिर उसका जो भी स्टडी था वहां पर जाके उन्होंने एडमिशन वगैरह करवाने की कोशिश की थी। कितनी सच्चाई है ये बात में? अगर एक्टिविटी करा दी तो भैया तुमने उसको बच्चों का अडॉप्ट किया है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तुमने उसको एडमिशन की बात करा दी, वो तो कराना ही पड़ता। जब तुमने उसको एक्सेप्ट किया मेरे साथ, तो मेरे बच्चों को तो कराना ही पड़ेगा, उसमें भी कौन सी बड़ी बात है? बड़ी बात यह है कि तुम उस बच्चे को मार रहे हो। तुम तो ये जिम्मेदारी उठा रहे हो, तुम्हें तो पता था ना ये बच्चा मेरा है और तुमको जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? अब तुम आदमी हो गए, अगर मेरे को